أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। या अहलुल कुरान, कैसी हैं आप सब? उम्मीद और दुआ है कि खैर और आफियत से हैं और ईमान के बेहतरीन दर्जे पर हैं इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ऑलमोस्ट ऑल दी तजवीद के जो मेन रूल्स हैं, जो कुरान के लिए, कुरान को बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए जो इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हमने कम्प्लीट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो बहुत ही रेयरली आते हैं, इंशाअल्लाह हम उनको आज डिस्कस करेंगे। बेसिक भी हैं और कुछ रूल्स जो हैं वो बहुत ही बेसिक हैं, जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है एक टॉपिक इदगाम का, उनकी कुछ रूल्स हैं वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगी कि क्या होता है। और एक जो है रूल्स, कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं कुरान में जिनको हमें फॉलो करना होता है इंशाल्लाह, आज वो भी देखेंगे। तो आज जो भी क्लास है वो लिसनिंग की होगी, इसमें प्रैक्टिस का कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आप पॉइंट्स लिखते जाएँ ताकि इंशाल्लाह तिलावत के दौरान आपको आसानी हो इन रूल्स को अप्लाई करके पढ़ने के लिए इंशाल्लाह। ओके फाइन, तो पहला जो हम आज इंशाल्लाह देखेंगे वो है ना पढ़े जाने वाले हुर्फ। ये ऑलरेडी हम जब भी तजवीद की रूल्स के, जब हम लफ्ज़ों को प्रैक्टिस कर रहे थे, आयतों की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हमने इन रूल्स को फॉलो किया है कि कुछ ऐसे लेटर्स हमने देखे हैं जैसे लाम शमसिया जिसको हम नहीं पढ़ते, और जो हमज़तुल वस्ल है जिसको हम नहीं पढ़ते अगर वो दरमियान में आ रहा हो। ये रूल्स को हमने ऑलरेडी फॉलो कर लिया है, बस यहाँ पर उनके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा रूल्स बताते हुए हम इनको देखेंगे कि कौन से ऐसे हरूफ हैं जिनको हम नहीं पढ़ते। ऑलमोस्ट जो है वो ऐसे लेटर्स जो नहीं पढ़े जाते हैं वो होते हैं अलिफ, वाव और या। ये ऐसे लेटर्स हैं जो कभी कभी लफ्ज़ों के अंदर या आखिर में लिखे हुए तो आपको मिलते हैं लेकिन हम उसको नहीं पढ़ते। या तो कोई ग्रामर की रूलिंग की वजह से आपको मिल जाएंगे, या तो तजवीद की रूलिंग की वजह से, जैसे कि हम जानते हैं हमज़तुल वस्ल तजवीद की रूलिंग क्या है उसकी, वो भी हम जानते हैं लेकिन फिर भी दरमियान में हम उसको नहीं पढ़ते। और जिस तरह लाम शमसिया को हम नहीं पढ़ते तजवीद की रूलिंग की वजह से, तो इस वजह से अलिफ, वाव और या ऐसे लेटर्स हैं जो कभी कभी इस तरह आते हैं और हम उनको नहीं पढ़ते। इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि किस तरह हम उनको पहचानेंगे। पहला है कि अगर आपको कभी भी कोई लेटर दिखे जिसके ऊपर फतहा दुम्मा कसरा हो, यानी ज़बर ज़ेर पेश हो, और उसके फौरन बाद आपको एक ऐसा लेटर मिले जिसमें साकिन हो और मुशद्दद हो, साकिन या मुशद्दद आ जाए, तो इन दोनों हरूफ के दरमियान जो भी हरूफ ऐसे हों जिनके अंदर कोई हरका ना हो तो हम उन हरूफों को नहीं पढ़ेंगे। फाइन, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखें फल यौमा, यहाँ पर हम अलिफ को, इस अलिफ को नहीं पढ़ रहे। हमने देखा था कि अलिफ, अलिफ से पहले के लेटर पे अगर फतहा हो तो हम उसको अलिफ मद कहते हैं, लेकिन अलिफ मद इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि उसके बाद जो लेटर है उस पर साकिन आया है। लेकिन यहाँ पे जो रूलिंग आ रही है फर्स्ट वर्ड में वो हमज़तुल वस्ल की रूलिंग है, क्योंकि फ़ा एक अलग वर्ड है, अल यौमा अलग वर्ड है, और जो उसमें फ़ा में जो अलिफ लगा हुआ है वो हमज़तुल वस्ल है जिसको हम मिलाकर पढ़ने में इग्नोर कर रहे हैं। राइट, सेम थिंग वल कमरा में भी हम अलिफ को इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो हमज़तुल वस्ल है, और व शमसा में हम लाम और अलिफ दोनों को भी इग्नोर कर रहे हैं। सिंपल है, क्यों? क्योंकि लाम पे कोई साकिन नहीं और अलिफ जो है वो हमज़तुल वस्ल है, वो अशमसा है जो दरमियान में आ रहा है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ रहे। और इस लाम को भी हम इग्नोर करेंगे क्योंकि उस पर साकिन का साइन नहीं है। तो एक और पॉइंट आप लिख लें, नो साइन नो साउंड, यानी अगर आवाज़, यानी अगर अलामत नहीं होगी तो आवाज़ भी नहीं होगी। कोई भी अलामत यानी फतह गुमा कसरा ना हो या साकिन ना हो तो हम उस लेटर को नहीं पढ़ेंगे। फाइन, इंशाअल्लाह। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर देखें अल अर्दी तो है हमज़तुल वस्ल का अलिफ जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं फिल अर्दी में, लेकिन या जो है वो एक एक्सेप्शनल है, यानी वो एक्स्ट्रा लेटर यहाँ पर या आ गया है, लेकिन हम इसको नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इसके ऊपर कोई साकिन का साइन नहीं है। सेम थिंग यहाँ पर अलल्लाही,
या पे कोई साकिन का साइन नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। जिस तरह हमने देखा कि लामे शमसिया में साकिन के साइन नहीं होने की वजह से हमने उसको नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर भी हम उसको नहीं पढ़ेंगे। इसके लिए आपको याद रखना होगा कि अगर कोई लेटर पे कोई साकिन या कोई भी साइन ना हो तो आवाज़ भी नहीं आएगी। ओके फाइन, नेक्स्ट क्या है? इलल्लदीना, यहाँ पर भी देखिए हम इस या को नहीं पढ़ रहे और इवन ये अलिफ़ को नहीं पढ़ रहे, लेकिन ये अलिफ़ नहीं बल्कि हमज़तुल वस्ल है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सेकेंड जो है वो रूलिंग क्या है कि अलिफ़ के ऊपर एक छोटा सा ज़ीरो का साइन बना हुआ होता है। इस तरह जो ज़ीरो का साइन अगर आपको मिला कोई वर्ड में मिलेगा तो इस अलिफ़ को हम नहीं पढ़ेंगे। ओके इस अलिफ़ को हम नहीं पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए हम इसको अफ़ाइन नहीं पढ़ेंगे बल्कि अफ़ाइन अफ़ाइन, ये अलिफ़ जिस पे ज़ीरो है, ज़ीरो यानी कैंसिल हो गया, ऐसे समझें कि वो अलिफ़ हम नहीं पढ़ेंगे। इसको हम लिशाई इन नहीं पढ़ेंगे, शाह को हम दोहर कलमा नहीं करेंगे बल्कि इस अलिफ़ को नहीं पढ़ेंगे। हम शीन को या से मिलाकर हुरुफ़ लीन अदा करेंगे, लिशाई इन समूदा समूदा, बस इतना ही। ओके ये अलिफ़ जिसके ऊपर ये ज़ीरो का साइन होता है हम उसको नहीं पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और एक वर्ड है अना, यह आपको सूरह मुल्क में भी मिलेगा और आपको सूरह काफिरून में भी मिलता है। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, वला अना, ये जो अना है हम क्या करते हैं इसको अना नहीं पढ़ते। जब भी आयतों के इस तरह दरमियान आता है, दरमियान में ही होता है वो हमेशा, तो हम उस अना को अना नहीं बल्कि अना पढ़ेंगे। अगर हमें वक्फ करना हो तो हम पढ़ेंगे जैसे वला अना पढ़ेंगे, लेकिन अगर हमें कंटिन्यू करना हो तो हम पढ़ेंगे वला अना आबिदुम मा अबदतुम। ओके इसको हम इस अना एक वर्ड को आप याद रख लें, लेकिन उस्मानी मुसफ़ में आपके लिए आसान होगा क्योंकि उस्मानी मुसफ़ में जो वर्ड अना है उसके अलिफ पर भी इस तरह का ज़ीरो दायरा मिलेगा आपको इंशाअल्लाह। फाइन, तो अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ अलिफ वाव और या नहीं पढ़ा जाता। यहाँ देखें ज़कातन है, यहाँ पे जो वाव है उसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम इस वाव को इग्नोर कर रहे हैं। सेकेंड लाइन में देखें कि हम किस तरह पढ़ रहे हैं, इस तरह पढ़ रहे हैं ज़कातन। सोलातन, यहाँ भी इस वाव को हम नहीं पढ़ रहे, हम सेकेंड लाइन में जिस तरह लिखा हुआ है उस तरह पढ़ रहे हैं। ये वर्ड देखें उलाइका जो है जी, थर्ड वन आपको समझ नहीं आया, थर्ड वन है वर्ड अना। अना क्या है? अना एक ऐसा वर्ड है जिसको अगर वो कभी भी आयतों के अंदर आता है तो हम उसको अना नहीं पढ़ेंगे। देखिए नून के बाद जब एक अलिफ़ आता है तो ये अलिफ़ मद हुआ जिसको हम दो हरका लंबा करते हैं, लेकिन हम ये एक स्पेशल वर्ड है जिसमें हम इस अलिफ़ को नहीं पढ़ते। फॉर एग्ज़ाम्पल कुलियाल काफिरून जो सूरह काफिरून है, देखें वला अना आबिदुम, अना नहीं पढ़ते वहाँ पर, यही अना है, यही अना है, लेकिन हम वला अना आबिदुम पढ़ते हैं जिस तरह जैसे कि उस पर सिर्फ और सिर्फ फतहा हो। ओके इंशाअल्लाह, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। तो हम इनको देखेंगे, इन वर्ड्स को, कि यहाँ पे हमने वाव को नहीं पढ़ा और यहाँ पर हमने वाव को नहीं पढ़ा और यहाँ पर भी वाव को हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि देखें उलाइका, हम इसको उलाइका नहीं पढ़ रहे क्योंकि वाव के ऊपर कोई साइन नहीं, नो साइन नो साउंड इंशाअल्लाह। ओके यहाँ देखें वाव को हम नहीं पढ़ रहे, हम इसको रूल फगली नहीं पढ़ रहे। वो रूल याद रख लें जो हमने फर्स्ट में सीखा था ना, कि कोई मुतहर्रिक हरफ के बाद साकिन हरफ आ जाए और दरमियान में कोई लेटर्स हों जिन पे कुछ अलामतें ना हो, कुछ हरकाज ना हो, कोई अराब ना हो, तो हम उसको इग्नोर करेंगे। तो हम अलिफ को हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि वो तो हमज़तुल वस्ल है, लेकिन वाव को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि वो यहाँ पर साइलेंट हरफ है, क्योंकि एक रूलिंग है यानी फतहा दुम्मा कसरा से कोई लेटर आए उसके बाद जो लेटर हो वो साकिन या मुशद्दद से हो तो दरमियान के हरूफ जिस पे कोई हरका ना होगी वो इग्नोर होगा, साकिन का भी साइन नहीं होना चाहिए, याद रख लें। ओके फाइन, यहाँ देखें जब भी आप कभी कभी देखती होंगी कि खड़ी ज़बर के बाद या जैसा, ये जो या है ये सिंबल आपको मिलेगा, जब भी खड़ी फतहा होती है उसके बाद ये या वाला साइन आपको मिलेगा। ये क्या है? एक्चुअल में ये या नहीं बल्कि इसको हम अलिफ मकसूरा कहते हैं, तो इस या को हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस जो ऊपर जो छोटा सा अलिफ यानी खड़ी ज़बर होती है उसको, इन लेटर्स को स्ट्रेच दो हरका लंबा करके पढ़ेंगे। आला फहदा, इसमें भी या को नहीं पढ़ रहे। हुदन में भी हम इस या को नहीं पढ़ रहे। तरबो, यहाँ पर भी हम या को नहीं पढ़ रहे। अगना में भी ये या जो है उसको हम नहीं पढ़ रहे। ओके
या ऑलरेडी हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, बस आज थोड़ा सा इसका डिस्कशन है ताकि आपको क्लियर हो जाए टॉपिक, फाइन। और कहाँ नहीं पढ़े जाते, कभी कभी हमज़ा जो है, एक हमज़ा बहुत ही हल्का हरूफ होता है, वो क्या करते हैं बहुत ही छोटा भी होता है ना, तो इसलिए कभी या, कभी अलिफ और कभी वाव जो है उसको अपने ऊपर लिए हुए होते हैं, ओके, तब हम इन या अलिफ और वाव को नहीं पढ़ना है बल्कि जो ऊपर हमज़ा है उसको पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ फर्स्ट में तुमीनूना में जो वाव के ऊपर हमज़ा है, हम हमज़ा को पढ़ रहे हैं, हम इसको तुमीनूना नहीं पढ़ेंगे, वाव को नहीं बल्कि ऊपर के हमज़ा को पढ़ेंगे तुमीनूना, ओके। यहाँ पर क्या इग्नोर हो रहा है, लास्ट का जो अलिफ है और वाव है दोनों इग्नोर हो रहा है, क्योंकि वाव के ऊपर कोई साकिन नहीं है, तो ये होगा फ़ज़ूक़ मीअतम। मीअतम ये जो साइन है या का है ना नीचे, जिसको हमज़ा या ने हमज़ा को होल्ड किया हुआ है, लेकिन हम पढ़ेंगे हमज़ा को, और यहाँ पे जो मीम के बाद अलिफ आया है उसको भी हम नहीं पढ़ रहे, मीअता कानू, यहाँ पे अलिफ इग्नोर हो रहा है जो एंडिंग पर है, सोलातुन यहाँ पर जो वाव है वो इग्नोर कर रहे हैं, राइट, यस्तहज़िउ यहाँ जो नीचे या है उसको इग्नोर कर रहे हैं, ईता ई, ये ई पढ़ रहे हैं हम, ई नहीं, या नहीं पढ़ेंगे हमजा पढ़ेंगे, यहाँ पे वाव को इग्नोर कर रहे हैं, गुलफ़ली और अलिफ को भी क्योंकि वो हमज़तुल वस्ल है, ऊतुल इल्म, देखें जो वाव अलिफ अलिफ इतने सारी चीज़ें दरमियान में आ गई हैं, इतने थ्री हरफ आ गई हैं, हम लेकिन उनको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने क्या देखा था कि जब भी कोई मुतहरिक हरफ हो उसके बाद साकिन हरफ आ जाए तो दरमियान के जो लेटर्स हैं वो नहीं पढ़े जाएंगे, इसको हम पढ़ेंगे ऊतुल इल्म, ओके। यहाँ पर भी सेम है उलाइका, और यहाँ पर कौन सा इग्नोर कर रहे हैं, जो नीचे वाव है जो हमज़ा को होल्ड किया हुआ है हम उसको नहीं पढ़ रहे, सिर्फ और सिर्फ ऊपर के हमज़ा को पढ़ रहे हैं और इस अलिफ को भी इग्नोर कर रहे हैं, बुरा, ओके। सेम थिंग यहाँ पर भी फ़ाउलाइका, ये वाव को नहीं पढ़ रहे, हुमुल खासिरूना, ओके। यहाँ पर भी हम हमज़तुल वस्ल को इग्नोर कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने देख लिया है कि साइलेंट वर्ड्स को हम किस तरह नहीं पढ़ेंगे, ऐसे लेटर्स जिन पे कोई साइन नहीं हो उसकी आवाज़ भी नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो अब हम इंशाअल्लाह देखते हैं कुछ स्पेशल रूल्स, जैसे इदगाम, हमने इदगाम देखा था नून साकिन और तनवीन के अंदर, जब नून साकिन और तनवीन के बाद या और मलून आते हैं तब हम इदगाम करते हैं, और हमने देखा था कि इदगाम शफवी यानी मीम साकिन के बाद जब मीम आता है तो हम किस तरह इदगाम करते हैं, राइट। लेकिन अब यहाँ हम देखेंगे कि दूसरे लेटर्स जो मिलते जुलते होते हैं, या तो सेम लेटर्स होते हैं, ओके, या तो मखारिज उनकी सेम होती है लेकिन सिफात अलग होती है, या ऐसे होते हैं जिनके मखारिज बहुत करीब हैं, वो सिफात में भी अलग हैं, प्रोनाउंसिएशन में भी अलग हैं, जब वो एक साथ आ जाएं तो हम किस तरह उनके अंदर इदगाम करते हैं इंशाअल्लाह हम उनको देखेंगे। उसके थ्री कैटेगरीज़ हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आप इसको ऑलमोस्ट पढ़ रही होंगी जब भी कुरान पढ़ती हैं, ओके। लेकिन आज हम इनका छोटा सा डिस्कशन कर लेंगे कि इनको हम किस तरह पढ़ेंगे, फाइन इंशाअल्लाह। जो पहला है वो इदगाम मिसलैन है, ओके, इसको हम मुतमसलैन भी कहते हैं, लेकिन टर्मिनोलॉजी पे ना जाएं, आपको ये थोड़े डिफ़िकल्ट लगेंगे, इसका मतलब बस ये है कि सेम मखरज से अदा होने वाले सेम हरफ, यानी दो सेम हरफ जैसे दाल और दाल अगर मिल जाएं, लेकिन इनमें शर्त क्या है, हमने इदगाम में क्या देखा था कि इदगाम में नून साकिन होता है उसके बाद यरमलून जो है उनके ऊपर हरका होती है और उनके साथ साथ मुशद्दद भी होता है ना, तो यहाँ पर भी इदगाम में यही होगा कि पहला जो सेम लेटर है दाल वो साकिन में होगा, दूसरा हर्फ मुतहर्रिक होगा और उस पर मुशद्दद भी होगी, जब ऐसे दो हर्फ साथ में आपको मिल जाएं तो पहला साकिन वाला हर्फ नेक्स्ट जो जो मुतहर्रिक हर्फ होता है उसके अंदर पूरी तरीके से मुदगम होता है यानी इदगाम होता है, और हम जो मुशद्दद और मुतहर्रिक है उस हर्फ को पढ़ेंगे बल्कि जो साकिन हर्फ है उसमें मिल जाएगा। सेम ये वैसी ही रूलिंग है जिस तरह हमने देखा था नून साकिन और तनवीन के बाद लाम और रा आ जाए तो किस तरह करते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी ये दोनों लेटर्स मिलकर एक लेटर हम प्रोनाउंस करेंगे जो मुतहर्रिक होता है, जिस पर हम मुशद्दद लगाकर इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, देखें कानत
ता है यहाँ पे और नेक्स्ट वर्ड है तामलू। हम क्या करेंगे इस ता को इस ता में मिलाकर कानत तामलू, ओके इस तरह पढ़ेंगे कानत तामलू। यहाँ देखें वक़द वक़द है दाल पे खलखला के साथ हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद है दखलू, लेकिन हम मिलाकर किस तरह पढ़ेंगे वक़द दखलू। एक्चुअली ये लेटर भी प्रोनाउंस हो रहा है लेकिन किस तरह प्रोनाउंस हो रहा है, वो इस लेटर में जो दाल है और एक उसके अंदर पूरी तरीके से मुदगम हो गया है, मर्ज हो गया है, जिसकी वजह से हम पढ़ रहे हैं वक़द दखलू। ओके कानत तअमलू वक़द दखलू, इस तरह इसको पढ़ रहे हैं। ये मिलते जुलते सेम हरफ का इदगाम होता है जो सेम होते हैं, ओके अलाइक यानी ट्विंस, एक ही जो दो होते हैं, राइट अल्हम्दुलिल्लाह। एक और एग्जांपल है वो क्या है कि मखरज तो सेम है लेकिन सिफात डिफरेंट है। ऐसे हरूफ मैंने आपको बताए थे ना कि इसमें हमें मिस्टेक नहीं करना चाहिए क्योंकि लहने जली भी हो सकती है, बिकॉज लेटर्स को सिर्फ मोटा और बारीक ना करने से उनके अंदर की जो मखरज है वो खुद चेंज हो जाता है ना। इसी तरह यहाँ पे ऐसे लेटर्स जिनका मखरज तो सेम है, ज़ाल का मखरज और ग़ा का मखरज सेम है, दोनों को ज़बान की नोक बाहर निकालते हैं, ऊपर के जो दो दांत हैं उनके जो कॉर्नर्स होते हैं उस पे हम रख के पढ़ते हैं ज़ाल और ग़ा, राइट। लेकिन डिफरेंस क्या है इनकी सिफात में, ज़ाल बारिक है ग़ा मोटा है। सेम थिंग त और तो में भी यही होता है कि त जो है वो बारीक है, तो जो है वो मोटा होता है, लेकिन दोनों को पढ़ते हैं हम एक ही जगह से। इनको भी ऐसा ही होगा, पहला लेटर जो है वो साकिन में होगा, दूसरा लेटर मुतहर्रिक होगा जिसे हम मिलाकर मुशद्दद के साथ पढ़ेंगे, और मुशद्दद के साथ आपको इंशाअल्लाह नेक्स्ट हर्फ मिलेगा, लेकिन हमें बस इसको याद रखना है कि मिलाकर पढ़ें। इज़्ज़लमू, ओके यहाँ देखें इज़ अलग है ज़्ज़लमू अलग है, मिलाकर किस तरह पढ़ रहे हैं इज़्ज़लमू, ओके यहाँ वक़ालत अलग है ताइफ़तुन अलग है, हम मिलाकर पढ़ेंगे वक़ालत ताइफ़तुन, ओके वक़ालत ताइफ़तुन, हम दोनों को मर्ज कर रहे हैं जिसे हम इदगाम कहते हैं। मुतजन्निसान इसका जो है उसकी टर्मिनोलॉजी है, जिसे कहते हैं कि मिलते जुलते नहीं सिमिलर, सिमिलर जो बोलते होते हैं ना कि एक जैसे मखरज से निकलने वाले, सेम मखरज से निकलने वाले लेकिन उनकी जो सिफात है वो अलग है। ये बहुत ही आसान है। नेक्स्ट जो है वो है इदगाम मुतकर्रिबैन, करीबैन यानी करीबुल मखारिज से अदा होने वाले, यानी मखरज जो है वो बहुत ही करीब होता है। जैसे कि हमने एक लेटर देखा था कौफ और कैफ, उसमें हमने क्या देखा था कि कौफ और कैफ दोनों को हम पढ़ते हैं हमारे अक्सर लिसान से, लेकिन कौफ को पूरा जो लास्ट पार्ट ऑफ दी टंग होता है वहाँ से पढ़ते हैं, और कैफ वहाँ जो कौफ जहाँ से हम अदा करते हैं वहाँ से थोड़ा आगे जो हमारा ज़बान का आखिरी हिस्सा होता है वहाँ से उसको अदा करते हैं। यानी इनके जो मखारिज हैं वो बिल्कुल आमने सामने हैं, बहुत दूर नहीं है। कौफ और कैफ आप ख़ुद प्रोनाउंस करके देखें, बहुत ही सामने उनके मखरज होते हैं, करीब होते हैं, इसलिए इनको हम मुतकर्रिबैन कहते हैं। तब भी हम ऐसे ही करेंगे कि पहला जो साकिन वाला हर्फ होगा उसको नहीं पढ़ेंगे, बल्कि नेक्स्ट वाला जो मुशद्दद का हर्फ होगा उसको पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर साकिन वाला हर्फ जो है वो नेक्स्ट वाले हर्फ में पूरी तरीके से मुदगम हो रहा है, इदगाम हो रहा है। ओके लाम और रा भी यही है कि दोनों को टिप ऑफ द टंग से अदा करते हैं, लेकिन लाम के लिए ज़बान की नोक हमारी लगती है और रौ थोड़ा सा हमारी ज़बान की नोक लाम के लिए जहाँ लग रही है मसूड़ों को उससे थोड़ा पीछे हमारे रौ के लिए लगती है। आप खुद अपनी जगह प्रोनाउंस करके देखें, लाम और रौ को थोड़ा ही बस मखरज का डिफरेंस होता है, बहुत ही करीब उनका मखरज होता है। तो हम क्या करेंगे, जो साकिन है उसको नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि लाम पहले साकिन आएगा और रौ बाद में आएगा, ये उलट भी हो सकता है, कभी कभी रौ साकिन पर होता है और लाम जो है वो बाद में आएगा, लेकिन हमें वही पढ़ना होगा जिस पे हम मुशद्दद लगाकर नेक्स्ट हर्फ जो मुतहर्रिक है उसको पढ़ेंगे। फाइन, यहाँ देखें वक़ुल रब्बी है तो हम इसको पढ़ेंगे वक़ुर रब्बी, वक़ुर रब्बी, जो लाम है वो रॉ में बिल्कुल भी मुदगम इस तरह हो रहा है कि वो कम्प्लीटली मर्ज हो रहा है और उसकी कोई सिफात बाकी नहीं रहती। कौफ और कैफ में भी वही है, नखलुक़कुम है, हम कौफ को कैफ से मिला रहे हैं तो कैफ को पढ़ रहे हैं नखलुक़कुम, ओके नखलुक़कुम, हम कौफ को बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ और सिर्फ काफ को पढ़ रहे हैं। सेम इस तरह जिस तरह नून साकिन
और तनवीन के बाद लाम और रो आने पर हमने जिस तरह पढ़ा उसी तरह हम इसको भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फाइन, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 टाइप्स ऑफ इदगाम भी कंप्लीट कर लिए हैं। ये बहुत ही आसान है, आप इसको पढ़ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह डे टू डे, लेकिन बस आज इंशाल्लाह हम इसकी थोड़ी सी जो है रूलिंग्स देखे हैं। इवन कुलिया अय्युहल काफिरून जो है उसके अंदर जो मैंने अभी पढ़ा था आया, उसके अंदर भी ये वाला इदगाम आता है, वला अना आबिदुम मा आबदतुम। यहाँ देखिए आबद है उसके बाद तुम आया है, लेकिन हम पढ़ते हैं आबदतुम, राइट। उस दाल को हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि वो मुदगम हो रहा है ता में, वो मुदगम हो रहा है ता में, तो हम उसको पढ़ रहे हैं आबदतुम। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने देखा है दुगाम, तो इंशाल्लाह कुछ और भी स्पेशल रूल्स हैं वो देखेंगे जो कुरान में बहुत ही रेयरली आते हैं। ओके, दिस रूल्स आर वेरी रेयर, इंशाल्लाह हम इनको डिस्कस करते हैं। वन सेकेंड, ओके फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम देखते हैं जो रूल है उसका नाम है इमाला। ओके, इमाला, इमाला कहते हैं इंक्लाइनेशन को माइल करना या झुकना। ओके, पहली बात मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दूंगी कि हम जो इमाला की रूलिंग और जो आगे आने वाले हैं इशमाम, वो सारे रूलिंग जो हैं हम फॉलो कर रहे हैं जो इमाम हैं उनका नाम है इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह। क़िरात जो होते हैं ना, जो क़िरात हम पढ़ते हैं, वो क़िरात अलग अलग किस्मों की होती है। कुछ 7 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड हैं, कुछ क़िरात जो हैं वो 10 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड हैं, लेकिन जो हम फॉलो करते हैं जिस इमाम की तजवीद की रूलिंग्स, कुरान की रूलिंग्स, उनको पढ़ने का तरीक़ा जो हम फॉलो करते हैं, वो हम इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करते हैं। वो क्या होता है कि वो जो उन्होंने सिखाया वो चेन जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाकर पहुंचती है। ओके, ऐसा नहीं है कि वो खुद उन्होंने खुद इसको ऐजाद किया, बल्कि जिस तरह नबी ने पढ़ा उस तरह जो कुर्रा और उलमा होते हैं उन्होंने उनको अलग अलग कैटेगरी में बनाया है। उसके 10 अलग किरात होते हैं या 7 होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगी कि जो किरात हम फॉलो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह की है। ओके, इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह की है, तजवीद की रूलिंग्स हो, कुरान पढ़ने का तरीक़ा हो, ये सारी चीज़ें हम इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करते हैं। जो तजवीद आपने सीखी है वो भी, एंड इवन जो हरमैन में जो इमाम तिलावत करते हैं कुरान का जो तरीक़ा है पढ़ने का, जो किरात वो फॉलो करते हैं अक्सर, वो भी जो है अक्सर जो है वो इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह की ही फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे किरात रॉन्ग है, सिर्फ तरीक़ा अलग है। जिस तरह देखें हमारा पाकिस्तानी उर्दू में बात करने का स्टाइल अलग होता है और इंडियन की उर्दू में बात करने का स्टाइल अलग होता है ना, तो सिर्फ स्टाइल ऑफ रेसिटेशंस जो हैं और अकीरत जो हैं वो अलग अलग होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सूरह फातिहा की जो आया है मालिक यौमिद्दीन, एक कारी को आप सुनेंगी जो मालिक यौमिद्दीन पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कुर्रा उसको मालिक यौमिद्दीन पढ़ते हैं। अगर आप यूट्यूब पे ज़्यादातर कुरान सुन रही होती हैं तो मे बी आपने इस तरह की क़िरात का भी कोई रिकॉर्डिंग सुना है जहाँ पर मालिक यौमिद्दीन पढ़ते हैं, और बहुत सारे अलग अलग क़िरात हैं, चाहे तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन यह क़िरात का जो टॉपिक है वो डिफरेंट है, बहुत ही अलग है, लेकिन हम जो फॉलो कर रहे हैं वो इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो कर रहे हैं। इट इज़ करेक्ट एंड सारे करेक्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम जो फॉलो कर रहे हैं बहुत आसानी से और ईजी से आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। और उनके अकॉर्डिंग जो है, यानी इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह के अकॉर्डिंग जो इमाला होता है वो कुरान में सिर्फ और सिर्फ एक जगह आता है। ओके जी, वो जो है एक ही जगह आता है, वो सूरह अल-हुद के आयत नंबर 41 है। इमाला क्या है मैं पहले बताऊंगी कि माइल करना, झुक जाना। क्या झुक रहा है? यहाँ फतहा जो है वो कसरा की तरफ माइल हो रहा है, या अलिफ जो है वो या की तरफ माइल हो रहा है, झुक रहा है, उसकी आवाज़ जो है वो इस तरह झुक रही है। क्यों झुक रही है? वो एक अरबिक की रूलिंग है जो इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह ने डिराइव किया है, हम उसको इंशाल्लाह ज़रूर फॉलो करेंगे। ओके, क्या हो रहा है? आपको यहाँ एक वर्ड दिख रहा होगा जिसके नीचे खड़ी कसरा है, राइट, या खड़ी फतहा है। आप अगर सूरह हुद के आयत नंबर 41 अपने कुरान में ओपन करके देखें तो आपको वो ऐसी ही मिलेगी। अगर आप उस्मानी मुसहफ यूज़ करती हैं तो आपको इस तरह मिलेगी, जहाँ पर एक छोटा सा डायमंड शेप आपको मिलेगा। ओके, लेकिन इसको हम किस तरह पढ़ेंगे मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी, इंशाल्लाह आप सुनें। وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها। ओके, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इसको किस तरह पढ़ा।
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها بسم الله مجريها ومرساها ओके हमने इसको मजरीहा या मजराहा नहीं बल्कि फतहा और कसरा के जो दरमियान की आवाज़ होती है मजरेहा इसको हमने यहाँ पे पढ़ा है जिसे इमाला कहते हैं और अकॉर्डिंग टू इमाम हफ्स रहिमुल्लाह अलैह वो पूरे कुरान में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड पर ये रूल फॉलो होती है। तो इंशाअल्लाह कोशिश करें कि आज से जब भी आप कुरान पढ़ेंगी तो इस जगह पर आप इसको मजरेहा पढ़ेंगी मजरीहा और मजराहा नहीं इंशाअल्लाह। और एक बात याद रख रही हैं आप देख रही होंगी कि इमाला के अंदर ए की साउंड आ रही है ना तो अक्सर सिस्टर्स को मैंने देखा है कि मदलीन में भी वो ए की साउंड लाते हैं तो देखें पूरे कुरान में जो ए वाली साउंड यहाँ इमाला की जो है वो आ रही है सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ सूरह हुद नंबर 41 में। लेकिन जो है हम मदलीन में इस तरह की जो गलतियाँ हैं वो नहीं करना उसमें बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ देंगे और यहाँ पर इसको हम ए वाली साउंड देकर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आप सब रिपीट करें माइक्स तो म्यूटेड हैं लेकिन अपनी अपनी जगह ज़रूर रिपीट करें ताकि प्रैक्टिस हो जाए। وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها بسم الله مجريها ومرساها اوكي بسم الله مجريها مجريها ओके इसको हम पढ़ रहे हैं मजरेहा और ये इमाला है और पूरे कुरान में जो ये है सूरह अल हुद आयत नंबर 41 में ही इसकी जो रूलिंग है वो आती है इंशाअल्लाह। फाइन तो नेक्स्ट हम इंशाअल्लाह एक और रूलिंग देखेंगे आपको आई होप इमाला में कोई भी डाउट नहीं है। तो अब इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट पर जाते हैं वो है इशमाम। इशमाम किसे कहते हैं ये बहुत ही एडवांस लेवल में सिखाए जाते हैं लेकिन जबकि हम कुरान डेली पढ़ेंगे और जो ये आयतें हैं वो भी हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे तो मैं बस चाह रही थी कि हम इन रूल्स को इग्नोर ना कर दें। पता नहीं आप कब एडवांस लेवल के कोर्सेज करेंगे और ये सब सीखेंगे बेहतर ही होगा कि हम बेसिक लेवल में ही आपको इंशाअल्लाह ये सब बता दें। फाइन क्योंकि ये बहुत ही रेयर अकर होता है ज़्यादातर नहीं आता। ये भी देखें जो इशमाम है सिर्फ और सिर्फ एक आया में आता है। ओके इशमाम किसे कहते हैं इशमाम यानी बम्मा को पढ़े बिना बम्मा की तरह होंठों को करना। ओके फाइन आई थिंक बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा जिस तरह मैं बता रही हूँ वो ये है कि बम्मा बम्मा यानी पेश पेश को पढ़े बिना हमारे होंठों को इस तरह दिखाना कि हम बम्मा को पढ़ रहे हैं वो पढ़ने वाले को पता नहीं चलेगा यानी सुनने वाले को पता नहीं चलेगा जो पढ़ रहा है उसको ही पता चलेगा कि मैं यहाँ पर इशमाम कर रहा हूँ। वो कैसे जब आप कोई कारी की ये आया सुनोगे तो आपको बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आएगा कि वो इशमाम कर रहे हैं या नहीं क्योंकि होंठों को गोल वो कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ वो करते हैं लेकिन पढ़ने में पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको किस तरह पढ़ूंगी قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف ओके आपको कोई डिफरेंस दिखा इसमें नहीं बिल्कुल भी नहीं क्यों क्योंकि मैंने इसको इशमाम किया लेकिन इशमाम सिर्फ देखने वालों को पता चलता है सुनने वालों को पता नहीं चलता। इशमाम क्या है कि दुम्मा के होते हुए हम दुम्मा को पढ़ते नहीं सिर्फ उसकी तरह अपने होंठों को गोल करते हैं। हमने दुम्मा में क्या सीखा था कि होंठ गोल करके पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ होंठों को गोल करेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। वो क्यों क्योंकि ये जो वर्ड तमन्ना है असल में वो इस तरह है ओके तमनुना है तमनुना नून दोम्मा के साथ आया है उसके बाद एक और एक नून आया है जो फतहा के साथ है यहाँ पर भी इदगाम हो रहा है एक नून जो है वो और एक नून के साथ मिलकर हम इसको तमन्ना पढ़ेंगे लेकिन जब मुशद्दत के साथ इस नून को हम पढ़ रहे होंगे तब हमारे होंठ थोड़े से गोल होंगे उसके बाद ओपन हो जाएंगे जैसे कि हमने इस नून को अदा किया। फाइन सिर्फ ये दिखाने के लिए हमने इस नून को भी पढ़ा है और इस नून को भी हम इस नून पे मुशद्दद करेंगे और इस नून के ऊपर जो दुम्मा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ होंठों को गोल करेंगे। आपको इसका वीडियो इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। जैसे क्लास होगी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह हम इशमाम करते हैं। ओके
किस तरह पढ़ेंगे, पढ़ने में कोई आपको डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। अगर आप कुरान देखेंगी तो आपको वो तमन्ना इसी तरह मिलेगा। अगर आप उस्मानी मुसहफ देखेंगी तो आपको ये वाला डायमंड का साइन जो है इस सूरे में मिलेगा। सूरह यूसुफ आयत नंबर 11 में आप देखें, अगर आपके पास उस्मानी मुसहफ है तो ये डायमंड का शेप आपको मिलेगा, जहाँ पर दिखाया जाएगा कि हम यहाँ पर इशमाम कर रहे हैं। लेकिन इंडो पाक का जो वर्जन आपके पास है तो उसमें कोई भी साइन नहीं होगा, ना ही इशमाम में होगा ना ही इमाला में होगा। फाइन, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आपको इन दोनों रूल्स में कोई डाउट्स नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज बहुत ही रेयर आते हैं ना, ये बहुत ही रेयर रूल्स हैं। तो इंशाल्लाह मैं एक बार दोबारा से इसको बता दूंगी। पहला है इमाला। इमाला कहते हैं माइल करने को, जहां फतहा की आवाज़ कसरा की तरफ माइल होती है। आ और ई की जो दरमियानी आवाज़ है वो है ए ना, यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अलिफ की जो आवाज़ है वो या की तरफ माइल हो रही है। आ को हम ई नहीं बल्कि जो दरमियानी हिस्सा है ए वो पढ़ते हैं, और वो पूरे कुरान में सिर्फ और सिर्फ एक जगह आया है अकॉर्डिंग टू इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह। वो क्या है? सूरह हुद आयत नंबर 41 में आता है, वर्ड मजरेहा में। इसको हम मजरीहा या मजराहा नहीं बल्कि उसका जो दरमियानी जो आवाज़ होती है मजरेहा वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और अगर आप यूज़ करें उस्मानी मुसहफ़ तो वहाँ भी आपको एक डायमंड का शेप ज़रूर मिलेगा। और एक है इशमाम। इशमाम कहते हैं दम्मा को पढ़े बग़ैर हमारे होंठों को दम्मा की तरह करना, ऐसा करना जैसे कि हम दम्मा को पढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए, हम दम्मा नहीं पढ़ रहे, वो क्यों पढ़ रहे हैं? उसकी रूलिंग क्या है कि सूरह यूसुफ आयत नंबर 11 में जो वर्ड आ रहा है तमन्ना, वो एक्चुअल में तमन्ना नहीं है बल्कि तमनुना है। ओके, तमनुना, लेकिन इन दोनों को मिलाकर तमन्ना लिख दिया गया है। इसी तरह पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ दुम्मा की जो सिफात है उसको कायम रखने के लिए हम उसके लिए इशमाम करेंगे, यानी दुम्मा की तरह होंठों को गोल तो करेंगे लेकिन हम उसको अदा नहीं करेंगे। ओके, तो इसको पढ़ेंगे तमन्ना, लेकिन हमारे जो होंठ है वो पढ़ते वक्त थोड़े से गोल हो रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल भी फ्लैट, जिस तरह हम ना पढ़ने के लिए अपने होंठों को करते हैं उसी तरह हो रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में वो दम्मा की तरह लगेंगे इंशाअल्लाह। और इसमें भी अगर आप उस्मानी मुसहफ यूज़ कर रही हैं तो डायमंड का शेप वहाँ पर भी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है इब्दाल। इब्दाल बहुत ही आसान है और ये एक्चुअल में एडवांस लेवल का ही है, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, बिकॉज इसकी आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज कुरान में आपको इसी तरह मिलेगा जिस तरह यहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसके लॉजिक जानने के लिए, बिकॉज ये इब्दाल जो है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इंशाल्लाह वो देखते हैं। इब्दाल की रूलिंग क्या है? जब भी कोई लफ्ज़ में दो अलिफ यानी दो हमज़ा साथ में आ जाएँ, पहला हमज़ा अगर हमज़ा फतह के साथ आए और दूसरा हमज़ा जो है वो हमज़तुल वस्ल हो, तो जो दूसरा हमज़तुल वस्ल का हमज़ा है उसको मद में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओके, मैं आपको दोबारा से बताऊंगी इन इमेजेस के साथ। देखें, ये जो है हमज़ा है। ओके, नीचे का देखें जो असली में क्या है कि ये हमज़ा है जिसके ऊपर फतह है, तीनों जगह सेम हो रहा है ना, तीनों जगह पर भी हमज़ा हो रहा है, हमज़ा है जिस पे फतह है। उसके बाद जो अलिफ है जो येल्लो में है वो हमज़तुल वस्ल है। ओके, जब भी इस तरह के कोई वर्ड आ जाएंगे जिसमें हमज़ा स्टार्टिंग में फतहा हो और उसके बाद जो है एक हमज़तुल वस्ल आ जाए, तो ये जो येल्लो का हमज़तुल वस्ल है उसको मद में हम कन्वर्ट कर देंगे। फाइन, मद में कन्वर्ट कर देंगे, जिसके वजह से हम इन तीन वर्ड्स को, ये जो पूरे कुरान में है वो भी ये थ्री ही वर्ड्स हैं जो मुख्तलिफ जगह आ सकते हैं, एक से ज़्यादा बार भी आ सकते हैं, लेकिन वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ थ्री हैं। फिर भी मैंने सोचा कि आपको ये बता दूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ सिस्टर्स को इस वर्ड में डाउट हो रहा था, वो है अल्लाह को, क्योंकि हमने हमेशा अल्लाह को अल्लाह ही कहा है ना, अल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन इस जगह शायद ये टू टाइम्स आया है, इस पर हम मद लाजिम को अप्लाई करते हैं, बिकॉज मद के बाद जो है लाम वो मुशद्दद से है ना। हमने क्या देखा था, अगर मद के बाद मुशद्दद या साकिन हर्फ आ जाए तो हम उसको छः हरकत लंबा करते हैं, वो मद लाजिम है, तो हम इसको अल्लाह नहीं बल्कि अल्लाह
इसी तरह पढ़ेंगे। फाइन, जब भी आपको कुरान में इस तरह दिखेगा तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि इसको अल्लाह ही पढ़ना है, लेकिन हम इसको ज़रूर छः हरका लंबा करके मद लाजिम की तरह ही पढ़ेंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्ड मैंने इसको, ये टॉपिक को इंक्लूड किया है, या ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था बिकॉज ऑलरेडी लिखा हुआ आपको मिलता है। फिर भी कुछ सिस्टर्स के डाउट्स थे कि हम इसको किस तरह पढ़ें, बिकॉज हम तो अल्लाह ही कहते हैं। तो ये जो है कुरान में आपको मिलेगा और हम इसको ज़रूर छः हरका लंबा करके पढ़ेंगे क्योंकि मद लाजिम है। फाइन, क्यों मद लाजिम हुआ है वो भी हमने देख लिया, क्योंकि जब भी इस तरह के दो हमज़ा, पहला जिस पे फतहा हो, दूसरा जो हमज़तुल वस्ल आ जाए, तो ये जो दरमियान का हमज़ा है, सेकेंड हमज़ा है हमज़तुल वस्ल, वो मद में कन्वर्ट होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ ये थ्री वर्ड्स में इस तरह की रूलिंग आई है। सेम थिंग यहाँ पर भी ذكرينی, ओके, यहाँ पर भी الآن, फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इब्दाल भी हमने कंप्लीट कर लिया है, ये बहुत ही बेसिक रूल्स हैं और बहुत ही रेयर भी आते हैं ना इब्दाल। इश्माम तो सिर्फ एक जगह आता है और इमाला भी, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई होप आपको इदगाम में भी कोई डाउट्स नहीं है। जो हमने देखे हैं हरूफ के दरमियान जो इदगाम होते हैं, एक होता है दो सेम हरूफ के दरमियान जिसमें पहला साकिन हो और दूसरा मुतहर्रिक, उस पर मुशद्दद होता है और हम उसको सेकेंड लेटर को ही पढ़ते हैं जो मुतहर्रिक होता है। सेम थिंग हमने देखा कि दो सेम मखरज से अदा होने वाले हरूफ लेकिन सिफात अलग होती है। और एक हमने क्या देखा कि मखारिज जो होते हैं वो करीब होते हैं, सिफात भी अलग होती है उनकी, मखरज भी अलग होता है, लेकिन मखरज बहुत दूर नहीं होता। दूर करने से क्या होता है, दूर हो तो इजहार होता है ना। हमने देखा था कि नून साकिन और तनवीन के बाद जब हरूफ़ हल्के आते हैं तो इजहार करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके मखारिज बिल्कुल दूर हैं, नून और हलक में जो फासला है दोनों का बहुत दूर है, तो इजहार करते हैं। इदगाम कब करना पड़ता है, जब जो है दरमियान, यानी जब जो दो लेटर्स हों वो करीब, यानी बहुत ही करीब, या सेम मखरज से हों या सेम ही लेटर्स आ जाएं, तो ही इदगाम करते हैं। यरमलून में भी देखें, या और यरमलून में जो ऐसे लेटर्स जिन पे हम इदगाम करते हैं गुन्ने के साथ, वो भी देखें, या है और वाव है और नून और मीम है। आप ये पढ़कर देखें, ये सारे नून साकिन और तनवीन, जो नून साकिन का मखरज ना है उससे बहुत ही करीब हैं, नून से या भी करीब है और नून से जो है वो कौन सा था, वाव था, वो भी करीब है और मीम और नून भी करीब है ना। और लाम और रॉ तो बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं, बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं, जिनकी वजह से हम नून की सिफात को बिल्कुल भी मर्ज कर देते हैं और उसको हम रॉ और लाम को ही पढ़ते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी अगर दूसरे हरफ आ जाएँ नून साकिन और तनवीन के अलावा, तो हम उन पर इदगाम किस तरह करते हैं। हमने देखा है कि हम हमेशा सेकेंड लेटर जो मुतहर्रिक है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि साकिन वाला लेटर सेकेंड लेटर में मुदगम हो जाता है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने साइलेंट लेटर्स भी कम्प्लीट कर लिए हैं जो नहीं पढ़े जाएंगे। इसमें बेसिक थिंग याद रख लें, नो साइन नो साउंड, अगर कोई हरका नहीं होगी तो आवाज़ भी नहीं होगी इंशाल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑलमोस्ट नहीं एवरीथिंग, हमने तजवीद के जो भी रूल्स थे बेसिक कंप्लीट कर लिए हैं और इतना काफ़ी है आपको कुरान की बेहतरीन तिलावत करने के लिए। लेकिन इंशाल्लाह कल से हम देखते हैं कि हम रिवीजन करें या तिलावत स्टार्ट करें, ग्रुप में बता दिया जाएगा, तो हम इंशाल्लाह तिलावत करेंगे। तिलावत क्लास में ज़रूर अटेंड हों बिकॉज उसमें आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, जो भी आपने पढ़ा है उसको हम तिलावत में अप्लाई करके देखेंगे कि हमने कितना सीखा है, राइट, इंशाल्लाह। तो हम इस मीटिंग को क्लोज करते हैं, अगर कोई डाउट्स हो तो व्हाट्सएप पर बताएं। ओके, इंशाल्लाह, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।